आज तक हमने बहुत सारी कहानियां देखी है बॉलीवुड में, बहुत सारी इमोशंस देखे, लॉट्स ऑफ फैमिली ड्रामा, लॉट्स ऑफ लव स्टोरीज और बहुत सारी चीजें देखी है। लेकिन आज अब की बार मैं कुछ अनोखा और कुछ हटके देख के आई हूँ बॉलीवुड से, जिसकी काफी टाइम से हम लोगों को क्रेविंग थी, मस्त से जिसकी थोड़े बहुत मतलब अच्छा खासा क्रेविंग हमारी पीछे मिट्टी भी, ऐसी बात नहीं है। बॉलीवुड में अब अच्छा खासा काम हो रहा है, मतलब कहा जाए तो बॉलीवुड की अवेकनिंग हो रही है आराम आराम से। बॉलीवुड नामक ट्रेन को काफी एक एक्सप्रेस ट्रेन बना दिया मस्त से एनिमल मूवी ने, जिस तरीके की हाइप है। एंड अभी दो मिनट मैंने सही बताऊं 2 मिनट हुए अभी मुश्किल से ट्रेलर आए जब मैं वीडियो बना रही हूँ, एंड मैं अभी देख के आई हूँ और आई एम लिटरली इन शॉक कि भाई ट्रेलर में क्या कुछ ही दिखा दिया है। एंड इतने सारे जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी थी, जो हमारे अंदर भरा हुआ था उनके गानों से, उसके टीजर से एक अलग ही रूप देखने को मिला था हमें, कुछ अलग ही। अब तक क्लियरिटी हमें मिली नहीं थी किसी भी चीज़ की, क्लोज थे उसको जोड़ दिया कहीं ना कहीं ट्रेलर ने। तो भाई ये कहानी है आज तक हम लोग, जैसे कि मैंने कहा कि आज तक लोगों को लड़कियों के पीछे या फिर फीमेल मेल लीड के पीछे हीरो को तबाही मचाते हुए बहुत बार देखा है, काफी जमाने से देखते आ रहे हैं। लेकिन अब की बार एक बाप के लिए उसका बेटा किस कदर तबाही मचाता है, ये हम इस मूवी में देखने वाले हैं, एक फादर एक सन का। क्योंकि एक इस बॉन्ड, एक यही बॉन्ड ऐसा है जो मतलब हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा कम हाईलाइट रहता है। एंड हमने अक्सर बाप बेटी का एंड यू नो बहुत सारे बॉन्ड देखे हैं, बाप बेटी के, बेटा का और एक बाप का बॉन्ड हमेशा थोड़ा ऐसा दिखाया जाता है कि हमेशा कि ठीक है बाप बेटे हैं, मतलब वो हग भी नहीं करते, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, तो ज्यादा कोई इतना फोकस नहीं करता। लेकिन एनिमल मूवी में सारा फोकस ओनली एंड ओनली उसके फादर एंड सन के एक रिश्ते पे डिपेंड है। एंड इसमें दिखाया गया है कि भाई अनिल कपूर सर जो है वो अपने टाइम पे काफी ज्यादा बिजी रहा करते थे, जिसकी वजह से रणवीर कपूर को टाइम नहीं मिला। एंड वो उस चीज को कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा मिस करते हैं अपने फादर के, उस बॉन्ड को काफी ज्यादा क्रेव करते हैं। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। एंड वो प्यार कब जुनूनियत बन जाता है, तो यही इस मूवी में देखने वाले हैं लिटरली हम। इसमें रश्मिका जी का भी एक डायलॉग है, सुन लिया आप लोगों ने, मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है या दुनिया में सबसे फर्स्ट है। हम लोगों ने कितना कमाल का एक्शन देखा इस ट्रेलर में, खासकर की जब ये वाला सीन आया भाई, मतलब कितनी सारी मशीन गन्स, हम लोग एक मशीन गन देख के एक्साइट हो जाते हैं, एंड यहाँ तो इतनी सारी जोड़ के एक पूरी की पूरी मशीन बना दी है, पूरी मशीन गन्स की एक ह्यूज मशीन बना दिया, एंड दैट वाज ग्रेट भाई। ये सीन देख के लिटरली गूज़बम्स आ गए थे मुझे, ये कैसा मतलब अचानक से मतलब एनिमल नीचे लेटा हो, बॉबी देओल सर की जैसे एंट्री होती है, एंड व्हाट अ बॉडी भाई, बॉडी भी काफी अच्छी बना रखी है दोनों ने मस्त से, एंड काफी ज्यादा रुआबदार कहते हैं ना, एक काफी वही वाली बात ना, रणवीर कपूर सर को ना हमने हमेशा एक चॉकलेट बॉय के रूप में देखा है, एंड उसको अब एक इस ऐसे यू नो एनिमल में देखना एक अलग ही चीज है, एंड एक अलग ही एक्साइटमेंट बना दे रही है। तो भाई मैं तो काफी 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ 1 दिसंबर के लिए। एंड उसमें हमने अभी तक गानों में देखा है रश्मिका जी के साथ भी बॉन्ड, अब की बार वही वाली बात ना, लीड करेक्टर में 2 मेल है, फीमेल और मेल नहीं है। अब की बार रश्मिका जी का ये वाला डायलॉग जब उन्होंने बोला था, अभी मैंने पीछे आप लोगों को दिखाया भी है कि तुम्हारा तुम्हारे पापा के लिए प्यार एक अफेक्शन नहीं है, एक बीमारी बनता जा रहा है, तो वो चीज ना काफी ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेट कर पा रहे, क्योंकि अगर उनके फादर पे बात आई तो भाई वो एनिमल पूरा जंगल उजाड़ देगा मत से, और उसको मतलब उसके अंदर के जानवर को बाहर आने में इतनी सी देर नहीं लगेगी। हम लोगों ने अक्सर सुना है कि इंसान भी एक जानवर ही है, लेकिन इस बात का नमूना इस मूवी में बराबर दिखाया गया है। काफी दिनों के बाद जो एक्शन हम लोग लैक कर रहे थे उन्हीं स्टंट को देख देख के काफी ज्यादा बोर हो गए थे हम लोग, लेकिन एनिमल मूवी में जिस तरीके से उन्होंने एक्शन प्ले किया है, ओ माय गॉड आई हैव लिटरली गूज़बम्स, यू नो इस तरीके की एक्साइटमेंट ना मैं ऑनेस्टली बोलूंगी मुझे अभी तक कोई सी मूवी में फील ही नहीं हुई एक जिस तरीके की एक्साइटमेंट इस मूवी को लेके है। यू नो 3 घंटे के आसपास की मूवी बताई जा रही है, एंड 1 दिसंबर को आने वाली है इन थिएटर्स। भाई मेरे तो एक्साइटमेंट का यू नो कोई ठिकाना ही नहीं है मुझसे। आप लोगों को क्या लगता है इस मूवी के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, एंड आपको कैसा लगा ट्रेलर कमेंट बॉक्स, अब लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन भर दो, एंड कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर ये भी बताना, मेरी रिव्यू वीडियो भी बताना कैसी लगी। अगर आपको मेरी रिव्यू वीडियो अच्छी लगी देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलती हूँ कल एक और धमाकेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज गुड बाय।